बड़ी खबर है। रांची के सांसद संजय सेठ ने व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एक अनामिका किस्कू की एमपी एमएलए विशेष अदालत में सरेंडर किया है। साथ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी सरेंडर कर दिया है। बीजेपी नेता नीलम चौधरी और रेखा महतो भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी लोगों को हाईकोर्ट से इस मामले में जमानत मिल चुकी है। स्थायी जमानत की अर्जी भी व्यवहार न्यायालय में दी गई है। नमाज स्थल विधानसभा में विधायक जाने के विरोध में विधानसभा का घेराव बीजेपी के नेताओं ने किया था। इसमें पुलिस ने उन नेताओं पर गैर जमानती धाराओं के साथ मामला दर्ज किया था और अब इसी मामले में सांसद संजय सेठ समेत तमाम जो नामजद आरोपी बनाए गए थे मामले में उन्होंने सरेंडर किया है। एमपीएमएलए की विशेष अदालत में उन्होंने सरेंडर किया है। दरअसल विधानसभा में नमाज कक्ष बनाने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ था और नमाज कक्ष को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा का घेराव कर दिया और ये वो वक्त था जब यहाँ कोरोना काल की वजह से इस तरह के विरोध प्रदर्शन और जुलूस पर पाबंदी थी। ऐसे में पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी कड़ी में प्रतुल शाहदेव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, सांसद संजय सेठ और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, जानना चाहेंगे मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड और अब आगे क्या क्या होने वाला। सरेंडर तो किया, अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्या क्या होगा? आज जो प्रक्रिया की गई थी वो पिछले दिनों जो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत से याचिका डाली गई थी जिसमें तमाम लोगों को संजय सेठ, प्रतुल शाहदेव, रांची के मेयर आशा लकड़ा से तमाम लोगों को बेल मिल गई थी, उसी प्रक्रिया के तहत आज सभी लोगों ने, मतलब संजय सेठ, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और जो जो अन्य नेत्री हैं दो, वो यहाँ पे पहुंची थे। सभी लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया है नियमित प्रक्रिया के तहत और जिसमें अब इन लोगों ने अस्थायी बेल के लिए भी एक अर्जी दी। मामला ये पूरा था पंकज की जो पिछले विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड के विधानसभा परिसर में नमाजगाह को लेकर के काफी विवाद हुआ था और विवाद होने के कारण ही विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भाजपा के द्वारा आयोजित की गई थी। इसी घेराव के दौरान वो हंगामा और लाठीचार्ज हुई थी और लाठीचार्ज के दौरान जब रांची के दुर्गा थाने में कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें नामजद अभियुक्त के रूप में इस पूरे मामले में जो कि थी, जो कि सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की सहित कई कई अलग अलग धाराओं में गैर जमानती धाराओं पर मामला दर्ज किया गया था। उसी के साथ सभी लोगों ने हाईकोर्ट में पिटिशन दी थी और इसी के मामले में उन तमाम लोगों को अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मिलने के बाद आज रेगुलर कोर्ट में, कैसे कहें तो जो लोअर कोर्ट है उस कोर्ट में पहुंच करके सभी लोगों ने अपने जो पक्ष है वो रखा और कोर्ट को जानकारी दी कि सभी को अग्रिम जमानत भी मिल गई है। सभी लोगों ने यहाँ पे जब सरेंडर किया, अब इनके जो अस्थायी बेल के लिए एक अर्जी डाली गई है जो कि जिस तरह से रांची के सांसद संजय सेठ ने जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि हम लोगों ने आज यहाँ पर अस्थायी बेल के लिए भी अर्जी दी है जो कि नमाजगाह का जो पूरा मामला था इस मामले को लेकर के असंवैधानिक तौर से ये सारी चीजें की गई थी, इसी का विरोध भाजपा कर रही थी और इसी के दौरान ये हो हंगामा और फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस पूरे मामले में अब ये नॉर्मल प्रक्रिया के साथ ये जो कोर्ट में सरेंडर किया गया है, सभी लोगों ने अपनी अपनी पक्ष के रूप में एक अस्थायी बेल के लिए याचिका डाली है जिस पर बाद में नई तारीख जब मुकर्रर की जाएगी और जब बेल पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसके बाद सुनवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में अब जो स्थायी बेल है वो लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है क्योंकि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।